शाहपुर में 3 साल की मासूम की साथ दरिंदगी के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जौलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। लगातार एक के बाद एक महिला और बेटियों के साथ वारदात होती जा रही है और प्रशासन निकम्मा बैठा हुआ है। एनएसयूआई का कहना है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटनाओं का खुलेआम विरोध किया जाएगा। शाहपुरा में जो 3 साल की बच्ची के साथ जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, उसी के विरोध में आज हमने आईजी ऑफिस का घेराव किया था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, पुलिस इतनी बाबरतापूर्वक एनएसयूआई के साथियों को लेकर जा रही है, ये गलत है। हम आपसे मांग करने आए थे कि आप आरोपियों को फांसी दें और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े। कैसी पुलिस है जो इतनी एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, बलात्कारियों को आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, तो हम जल्द से जल्द एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे पुलिस के खिलाफ। आज क्या किया आपने? आज हमने आईजी ऑफिस में घेराव किया, जिसके पूर्व आपने देखा कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। और बल प्रयोग तो हमेशा पुलिस करती है, क्योंकि जिस तरह से शिवराज मामा सिर्फ नाम के मामा है, वो बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, वो किस बात के मामा है, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही सब कर रही है, वो आरोपियों को पकड़ ही नहीं रही है। देवकी पटेल, राष्ट्रीय समन्वयक, एनएसयूआई। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा जबलपुर में हुए बलात्कार और पुलिस की नाकामी के विरोध में आईजी ऑफिस से घेराव किया गया, जिसमें एसपी को सस्पेंड करने का मांग की गई। मैं सक्षम यादव, जिला सचिव, एनएसयूआई जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।